Hey guys, welcome back to my channel Health Beauty Kitchen. और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक मिठास भरी रेसिपी के साथ। ये रेसिपी स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो वेट वॉचर्स हैं, कैलोरी कॉन्शियस हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा घी वाला या बहुत मीठा खाना अच्छा नहीं लगता। रेसिपी है आटे का हलवा, लेकिन मैंने इसे बहुत ही कम घी के साथ बनाई है। मुझे भी बहुत घी वाला खाना, मिठाइयाँ या सब्जी पसंद नहीं है, तो मैं भी बहुत कम घी डालती हूँ और मैंने सोचा कि ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसलिए मैंने आटे का हलवा बनाया है। एक कटोरी आटे में मैंने सिर्फ 2 बड़े चम्मच घी डाला है और चीनी भी मैंने कम ही डाली है, क्योंकि मुझे भी बहुत मीठा खाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन गाइस, रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, आप एक बार बनाकर देखिए, बनाइए, खिलाइए, घर में सबको खिलाइए। मुझे यकीन है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी एंड रिजल्ट यही होगा कि और बनाओ, फिर से बनाओ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम इसे। सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और उसमें घी गरम कर लेंगे। जब घी गरम हो जाएगा तो हम उसमें आटा डाल देंगे। दोस्तों, आटे का हलवा बनाने के लिए आमतौर पर मोटा आटा लिया जाता है, जिसे हम गोल पिसा हुआ आटा भी बोलते हैं। उससे क्या होता है कि आटे का टेक्सचर बहुत ग्रेनी, बहुत दानेदार सा यमी रहता है। अच्छा हो कि आप मोटा आटा लें, अगर नहीं है तो जो भी घर में आपके पास अवेलेबल है, जो भी आता है, आप उससे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थोड़ा इतना फ़र्क पड़ता है कि वो थोड़ा ग्रेनी टेक्सचर पे रहता है और ये थोड़ा फाइन रहता है, पतला रहता है, लेकिन टेस्टी उतना ही लगता है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता है। तो अब मैं लगातार आटे को चला रही हूँ जिससे सारा आटा एक जैसा भुने। ये देखिए, अब आटा ब्राउन हो गया है भूनते भूनते, और आटा बहुत जल्दी ब्राउन होने लगता है, बहुत टाइम नहीं लगता है, 4-5 मिनट में ही आप देखेंगे कि बहुत अच्छा अरोमा उसका आ रहा है आटे के भुनने का, और कलर बहुत जल्दी उसका ब्राउन हो गया है। अब मैंने उसमें 3 कटोरी पानी डाल दिया है और मैंने चलाने के लिए विस्क ले लिया है, आपने ध्यान दिया होगा। इससे क्या होता है कि गांठे पड़ने के चांस नहीं रहते हैं बिल्कुल भी, और एक बार पानी में आटा अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर वापस से मैंने अपनी वही कड़छी ले ली है। और अब मैंने उसमें 3/4 कटोरी चीनी डाल दी है। आप चाहें तो 1 कटोरी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कम मीठा पसंद करती हूँ तो मैंने 3/4 डाली है। और कुछ केसर के धागे अब मैंने डाल दिए हैं जिससे कलर बहुत अच्छा आए और उसमें केसर का थोड़ा फ्लेवर भी आए। और अब मैंने किशमिश भी डाल दी है और मैं अच्छी तरह अपने हलवे को मिक्स करूँगी। ये देखेंगे आप, अभी काफ़ी पतला है लेकिन बिल्कुल फाइन है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको लगातार चलाते रहें कि जिससे सारा हलवा एक जैसा बने, उसमें गांठे नहीं पड़े। अगर आप छोड़ देंगे, बीच में चलाना बंद कर देंगे, तो गांठे पड़ने का चांस रहता है, फिर आटा की गांठे वो दिखते भी हैं और मुंह में भी आते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। बहुत आसान होता है बनाना, बस इसमें यही है कि अच्छा बने, बनाने के लिए आप उसको लगातार चलाते रहें। ये देखिए, बहुत अच्छा स्मूथ एकदम हलवा बन रहा है हमारा। मीडियम लो फ्लेम पर हम ये सारा काम करते हैं, भूनने का और बाद में मिक्स करने का, कुक करने का। आटा बहुत जल्दी जलने की टेंडेंसी होती है आटे की, तो इसलिए हम हाई फ्लेम पे नहीं बनाते हैं आटे का हलवा, मीडियम मीडियम लो ही रखते हैं और लगातार चलाते हुए इस तरह से हम इसको कुक करते रहते हैं जब तक कि वो हलवे वाली कंसिस्टेंसी, एक थिक कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती है। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ है इसका टेक्सचर। ये देखिए, मैं आपको डालकर दिखा रही हूँ। अब आप देखेंगे कि कॉर्नर से हलवा अलग होने लगा है। ये इस टाइम पे हमारा हलवा बस बिल्कुल तैयारी पर है। इससे ज़्यादा कर देंगे आपको तो टाइट हो जाएगा, और इससे कम करेंगे तो वो रन ही रहेगा, वो हलवे जैसा नहीं लगेगा वो। और बस अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और ये मैं थोड़े से काजू डीप फ्राई कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए। डीप फ्राई किए हुए पिंक पिंक काजू बहुत ही सुंदर लगते हैं हलवे पे गार्निश।
किए हुए, उससे हलवा बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही टेम्पटिंग सा, इरेजिस्टिबल सा लगता है। और अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं अपने हलवे की। ये मैंने हलवा निकाल लिया है एक कांच के बोल में, और इसको अब मैं गार्निश करूँगी आलमंड स्लीवर से, थोड़े से और मैं डालूँगी इसके ऊपर, मुझे कम लग रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर लगने लगा है हलवा। और अब मैं इसके ऊपर पिस्ता की स्लीवर्स डालूँगी, ये ग्रीन कलर आते ही ये देखिए लगने लगा ना टेम्पटिंग। और अब मैं इस पे अपने डीप फ्राई किए हुए काजू भी रख दूँगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इस रेसिपी को एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है दोस्तों। और अगर आपको और भी मेरे वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग माई वीडियो।